हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट के बारे में, जो कि समर का बहुत ही सुंदर प्लांट है। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर है ये इसका फूल। तो इसका नाम है हाइड्रेंजिया फ्लावरिंग प्लांट। तो इसके फूल देखिए बिल्कुल क्लस्टर्स में खिलते हैं, एकदम छोटे छोटे फ्लावर्स और बिल्कुल गुच्छे में आते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर है बिल्कुल। अगर आप इसे सारे फ्लावर्स को एक जगह इस तरह करें तो ये बिल्कुल एक हमारा अच्छा सा बुके तैयार हो जाएगा, बहुत ही सुंदर सा। बहुत ही इसका छोटा छोटा फ्लावर्स है, लेकिन ये एक जगह बिल्कुल मिलके बिल्कुल गुच्छे में बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। तो ये समर का बहुत ही सुंदर सा प्लांट है। और अगर ये एक बार ये फूल अगर इसके खिल जाते हैं तो ये लगभग एक महीने तक इसके फूल ऐसे ही खिले रहते हैं। ये देखिए बहुत दिनों तक इसके फूल, मैंने बोला लगभग एक महीने तक इसका फूल ऐसे ही खिला रहता है, काफ़ी सुंदर लगता है देखने में। तो आप इसके अगर कई प्लांट्स अगर कटिंग से लगा ले तो ये गार्डन बिल्कुल भरा रहेगा फूलों से गर्मियों में। तो ये देखिए कितना छोटा सा प्लांट है और बिल्कुल फूलों से भरा हुआ है, ये सारे ब्रांचेज पे फ्लावर है। तो ये मेरे पास दो है, ये मैंने कटिंग से लगाया है और ये देखिए ये भी अच्छे से लग गया है। और इसमें छोटा सा पौधा है उस पर भी ये फूल खिल रहा है अभी। ये मैंने ख़रीदा था और इसकी कटिंग्स मैंने यहाँ पे लगाई थी। तो ये कुछ 3-4 महीने पहले ही ख़रीदा था मैंने ख़रीदा था लगभग विंटर स्टार्ट होने से पहले ही ख़रीदा था। तो ये देखिए, तो आज मैं इसी के बारे में बात करूँगी, इसकी केयर टिप्स के बारे में कि कैसे आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल आपको समर में मिलेंगे अगर आपके प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं। तो इसी के बारे में कुछ केयर टिप्स बताऊंगी आपको। तो इस प्लांट को सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी सनलाइट के बारे में। तो कि इसको आप अगर टेरेस पे रख रहे हैं तो बिल्कुल नहीं रखिए, क्योंकि टेरेस पे अगर आप रख रहे हैं तो आप इसे ऐसे जगह पर रखें जहाँ पे इसको धूप नहीं पड़े, क्योंकि अगर इस पर धूप पड़ेगी तो इसके सारे फ्लावर्स या पत्ते जितने हैं सारे मुरझा जाएंगे, बिल्कुल इस तरह से ये लटक जाएंगे ऐसे। तो इसे बिल्कुल भी धूप में नहीं रखे डायरेक्ट, बिल्कुल अगर इसे धूप चाहिए भी तो बिल्कुल सुबह की हल्की सी धूप मिल जाए तो ये बहुत ही अच्छे से चलेगी। तो इसे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखने तो ये पौधा जल्दी ही सूख के ये मर जाएगा। तो इसे बिल्कुल भी शेड में रखें, सनलाइट में नहीं रखें, तभी ये बहुत ही अच्छे से चलेगा। तो और दूसरा है हमारा वाटरिंग, कि इससे वाटरिंग कैसे करनी है। तो अगर इसे धूप में आप रख रहे हैं, अगर इसे थोड़ी धूप और पानी कम हो जाए तो भी इसका वही प्रॉब्लम है कि इसके पत्ते और इसके फ्लावर्स बिल्कुल लटक जाएंगे नीचे। तो इसकी जो मिट्टी है उसमें जो पानी है बिल्कुल हमेशा मॉइस्चर बना रहना चाहिए, ताकि ये अच्छे से इसके प्लांट और ये फूल अच्छे से खिले रहिए। देखिए इसकी मिट्टी में बिल्कुल अच्छे से मॉइस्चराइज़र ऐसे बने रहने चाहिए, बिल्कुल सूखा मिट्टी नहीं चाहिए। बिल्कुल सूखा मिट्टी होने से फिर वही प्रॉब्लम होगा कि इसके फूल और इसके पत्ते बिल्कुल नीचे लटक जाएंगे। तो इसे डेली एक टाइम तो वाटरिंग चाहिए ही। बहुत ही ऐसा सॉफ्ट सा पौधा है कि थोड़ा भी इसे धूप पड़ा अगर पानी नहीं है तो बिल्कुल, मेरे साथ एक्चुअली हुआ है तो इसलिए मुझे अच्छे से पता है, बिल्कुल ये इस तरह से लटक जाएगी, ऐसा लगेगा कि पौधा अब ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो लेकिन फिर आप जल्दी से अगर वाटरिंग कर देंगे उस टाइम तो फिर ये पौधा फिर से ठीक हो जाता है। तो फिर ऐसी गलती नहीं करें, बिल्कुल भी इसे धूप में नहीं रखें, थोड़ा शेड में रखें और वाटरिंग इसे करें, और हमेशा वैसी वाटरिंग करें कि ताकि इसमें पानी भी नहीं जमे आपके गमले में। तो उसके लिए आप मिट्टी अच्छी बनाएं, ड्रेनेज उसका अच्छा रहे, उसमें सैंड को ज़रूर मिक्स करें जब आप उसकी मिट्टी बनाते हैं, तो पानी बिल्कुल नहीं रुकेगा, क्योंकि इसमें फंगल अटैक बहुत ही जल्दी होता है और उस वजह से इस पौधे की रूट रॉटिंग भी बहुत ही जल्दी हो जाती है। तो इसलिए इसके लिए मिट्टी भी अच्छी सी बनाएं ताकि इसमें पानी नहीं रुके। तो फिर हम उसके बाद बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो इसे फर्टिलाइज़र भी अगर अभी जैसे अभी अच्छा टाइम है इसे फर्टिलाइज़ भी आप करें, अगर आपके प्लांट में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है तो इस टाइम भी अच्छे से इसे फर्टिलाइज़ करेंगे तो ये प्लांट भी बहुत ही अच्छे से चलेगा और आगे भी हमें अच्छे से फ्लावरिंग मिलते रहेगी। तो इसके लिए आप अभी नीम खली या फिर कॉर्डन कंपोस्ट इस तरह का फर्टिलाइज़र इससे डालें
तो ये देखिए मैंने इसके लिए ये नीम खली का ये रखा है इसमें डालने के लिए, क्योंकि अभी देखिए फूलों से भरा है और इसलिए फर्टिलाइज़र तो अभी चाहिए ही पौधे को, ताकि इसे और एनर्जी मिले तो इसे और अच्छे से ये फ्लावरिंग करे। तो इसमें जब भी आप कोई फर्टिलाइज़र डालें तो इस तरह से पहले अच्छे से गुड़ाई कर ले, उसके बाद इस तरह से इसके पूरे साइड से, इसके प्लांट के साइड से बिल्कुल अच्छे से इसमें डाल दें। तो ये अभी डालने से इसके में किसी भी तरह का कोई फंगल अटैक नहीं होगा, कुछ भी नहीं, तो ये अच्छे से अभी आगे फ्लावरिंग भी करते रहेगी। इस तरह से आप अभी कोई भी फर्टिलाइज़र इसमें डालें तो ये बहुत ही अच्छे से चलेगा और पूरे समर ही अच्छे से आपको फ्लावरिंग करता रहेगा। और इसमें एक प्रॉब्लम है हमेशा इसमें आती है, जब से मैंने इसमें ख़रीदा था तो ये देखिए ये पत्ते जो है इसके इस तरह से जलने लगते हैं। तो अभी तो नहीं है ऐसा प्रॉब्लम कुछ, वो एक दो पत्ते हैं ऐसे, लेकिन सर्दियों में जब इसके फूल तो सर्दियों में नहीं आते हैं, तो सर्दियों में बस इसके पत्ते ऐसे ही पूरा जलने लग जाते हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस टाइम फंगल अटैक के कारण ऐसा हो जाता है, लेकिन जब इसके फ्लावरिंग के टाइम आ जाती है, इसे समर फिर स्टार्ट हो जाता है, तो फिर इसके पत्ते देखिए बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं इस तरह से। तो ये नॉर्मल सी चीज़ है कि पत्ते इसमें अगर फूल नहीं आ रहे हैं तो फिर सर्दियों में इसके पत्ते बिल्कुल ऐसे जलने लग जाते हैं, और फिर फ्लावरिंग के टाइम पे बिल्कुल पत्ते ये देखिए हरे हो जाते हैं और ग्रीन अच्छे से फिर ये चलने लग जाते हैं। तो इस तरह का प्रॉब्लम इसमें थोड़ा होता है, तो फिर अच्छे से इसकी केयर करें तो फिर ये अच्छे से पूरे समर आपको अच्छे अच्छे फूल देंगे। ये देखिए बिल्कुल फूलों से लदा हुआ है ये प्लांट मेरा छोटा सा, और ये छोटे से पौधे पर भी छोटा सा फूल खिला हुआ है। और इसके बाद आप पिंचिंग भी इसमें हमेशा करते रहे, जैसे कि अगर कोई फ्लावर पुराना हो रहा है तो फिर आप उसे अच्छे से पिंचिंग करते रहिए। देखिए इसके फ्लावर ये पुराना हो गया था तो मैंने इसे पिंच कर दिया है, और पिंच करके मैंने इसमें डाल दिया है, और ये भी अच्छे से धीरे धीरे सूखने के बाद ये भी खाद का ही काम करती है। तो इस तरह से आप जो पुराने फ्लावर्स हैं उसे पिंचिंग करते रहे, जो पत्ते पीले हैं या फिर सूख रहे हैं तो उसे इस तरह से हटा दें, तो ये प्लांट बिल्कुल अच्छे से चलेगा। इस तरह से थोड़ा ध्यान दे, बिल्कुल धूप में नहीं रखे। ये देखिए कितना बड़ा सा है इधर, तो ये प्लांट अभी बिल्कुल फूल से भरा हुआ है। तो इस तरह से आप इसकी केयर करें तो समर में बहुत ज़्यादा फूल आपको मिलेंगे इसके। और ये देखिए अभी ये बिल्कुल नया है, अभी ये खिला, कितना सुंदर सा लग रहा है ये देखने में। तो ये प्लांट आप ज़रूर लगाएं अगर आपके पास नहीं है तो हाइड्रेंजिया। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, टाटा बाय बाय।